ये है हमारे पास फेंच बेबी का डिलक्स बाउंसर पोर्टेबल स्विंग, ये है इलेक्ट्रॉनिक। साथ ही हमने कुछ सामान लिए हैं जो इसमें रिक्वायर रहेगा असेंबल के टाइम। पैनासोनिक की 4 बैटरी भी लिए हैं हमने। चलिए अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, इसका बॉक्स देखते हैं क्या क्या सामान है। खुल गया हमारा बॉक्स, निकल गया हमारा प्रोडक्ट बाउंसर। इसका मैट्रेस, ये इसका पीलो, ये इसका सामान एक्स्ट्रा और जो है और ये बाकी सब उसके सामान है। चलिए अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं बारी बारी से। हुक्स देख के आपको असेंबल करना रहेगा, तो ध्यान से लगाइएगा, उल्टा सीधा नहीं लगाइएगा। आप मैनुअल बुक देखकर भी असेंबल कर सकते हैं, हमें पता है, इसलिए मैनुअल बुक का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ का फ्लिप हो गया, दूसरी तरफ का चेक करते हैं उसका। ये हो गया दोनों तरफ का हमारा। यहाँ ऐसे लगेगा स्क्रू के साथ, इसलिए देखते हैं स्क्रू किसमें है। जरूर इसी पाउच के अंदर होगा। इसको मैनुअल बुक ये मिल गया हमें, उसका स्क्रू। चलिए अब इसको हम टाइट करते हैं स्क्रू को। Thank you.
बारी बारी से दोनों तरफ को कस लीजिएगा। अच्छे से टाइट कसिएगा ताकि निकले ना। एक तरफ का लग गया, अब दूसरी तरफ का सेम वैसे ही इसमें भी स्क्रू से टाइट करना रहेगा। ये हो गया अच्छे से टाइट। अब लगाएंगे इसका मैट्रेस। पहले बैक साइड का लगाते हैं। फ्रंट साइड का जो है रॉड जो है ऊपर करके इजीली लग जाएगी। उसके बाद आप उसको नीचे कर दीजिए। जो बेल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए दोनों तरफ से। ये लग गया हमारा मैट्रेस। ये इसका पिलो। बारी आती है इसकी रैटल का। पहले इसके टॉयस इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बहुत क्यूट क्यूट से इसमें सॉफ्ट टॉयस दिया हुआ है रैटल इसका। ये लग गए हमारे रैटल्स। इसके जगह आप और आपके पास जो भी हो आप हैंग कर सकते हैं इसमें। इसको इसमें हुक करना है अच्छे से। उसके बाद नॉर्मली एक तरफ जगह है वहाँ पे इसको हुक कर देने हैं। चलिए डालते हैं अब इसमें हम बैटरी। हमने नॉर्मल डबल ए की 4 बैटरी ली थी वो इसमें हम लोग इंक्लूड किए। बैटरी आपको अलग से रखना पड़ेगा, बॉक्स में बैटरी नहीं आती। फाइनली हमारा बाउंसर जो है स्विंग बेबी स्विंग असेंबल हो गया है। आप इसको प्लग से भी चला सकते हैं अगर बैटरी से भी।
इमरजेंसी में आप नॉर्मल बैटरी का यूज़ कीजिए, बाकी टाइम आप एडाप्टर का। ये रहा हमारा बेबी स्विंग जो कि पूरे असेंबल हो चुका है। स्विंग भी हो रही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक हम चेक कर रहे हैं जो यूज काम कर रहा है, इसकी मशीन चालू है। हमारे पास बेबी नहीं है इसलिए हमने अपने यहाँ का एक सॉफ्ट टॉय वाली डॉल ला के इसमें डाला ताकि आपको भी समझ में आए बेबी को कैसे सीट बेल्ट वगैरह सेफ्टी बेल्ट वगैरह यूज़ करनी है। तो दोनों तरफ से आप जो है सेफ्टी बेल्ट जो है इसलिए बुक कीजिएगा ताकि बेबी गिरे ना, क्योंकि बच्चे जो है मूवमेंट करते रहते हैं उससे वो सेफ रहें। बेल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग टाइट कर लीजिएगा। ये हमने बैठा दिया बेबी को। ये स्विंग होना चालू हो गया। चलिए अब आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए इसको हम अब जो है ऑपरेट करते हैं। ये आपका स्टार्टर बटन और ये है म्यूज़िक के लिए और ये है टाइमर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्पीड है इसकी और झूला जो है हमारे स्टार्ट हो गया। स्पीड बढ़ाते हैं सेकेंड एंड ये थर्ड, तीन स्पीड दिया हुआ है इसमें। और ये है म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक और ये है टाइमर। जैसे आप बिज़ी हैं यहाँ से आप टाइमर लगाकर छोड़ दीजिए 15 मिनट, इधर 30 मिनट एंड 45 मिनट्स, ऑटोमेटिक ये स्विंग होकर बंद हो जाएगी अगर ये टाइमर आप सेट करते हैं तो। हमने यहाँ पे चार जो है नॉर्मल पैनासोनिक की बैटरी डाली हैं, आप कोई भी अच्छी बैटरी डाल सकते हैं इमरजेंसी में। इधर आप यहाँ से एडाप्टर के लिए स्विच दिया हुआ डायरेक्ट आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। ये इसका एडाप्टर, आप नॉर्मली इसको यहाँ स्विच कर दीजिए और इधर इसको प्लग कर दीजिए कहीं अपने स्विच में। तो ये रहा इसका असेंबल, बहुत ही इजी है, आप घर में भी कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्विंग आएंगे बाउंसर जो है इसी टाइप से असेंबल होगा। और आपको हेल्प चाहिए तो ये कैटलॉग दिया रहता है साथ में, आप कैटलॉग के सहारे भी जो हैं इसको असेंबल कर सकते हैं। ये रही हमारी क्यूट सी डॉल बेबी।
जो कि स्विंग का मज़ा ले रही हैं। आप इजी इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये वाली बटन आप चारों तरफ का स्विच करके, दो इस तरफ भी हैं, इजी आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने इसको ये फोल्ड कर दिया, ये जो है फोल्ड हो गया। आप कहीं भी इजी इसको कैरी कर सकते हैं लाने ले जाने के लिए। खोलने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको आपको फैला देनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी आप जो हैं ऐसे स्विंग जो है बाय करेंगे उनके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। इसमें तीन सेड आता है, एक ये और एक ये। हमारे पास अभी ये वाली है जी। आपको ऐसे बॉक्स पैकिंग में ये चीज़ मिलेगी। आपको कलर्स ऑप्शन भी रहेंगी, पिंक है, ग्रे है, इधर हल्के ब्लू हैं। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।